दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में हमको दिखाया था कि फ्लूट के कितने होल्स होते हैं, और वहाँ पे आप एक फ्लूट का ड्रॉ भी हमने किया था, अगर आपको याद है तो। फिर भी हम दिखा देते हैं, ये था वो ड्रॉ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको देखना है, ऊपर एक लिंक जा रहा है, उसको देखिए और पहले आप जान लीजिए सारेगामा पाधानिसा कैसे, कौन से हॉल से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ से आप इजीली अपना फ्लोट का नोट निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, हम यहाँ पे एक दो तीन ऐसे तीन हिस्से में इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तीन लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको जो करना है सारेगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए सा रे। घर में प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे आप पहले शुरू शुरू में तीन चार पाँच ऐसे नोटेशन घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद रे गा मा, इसके बाद वाला रे गा मा, उसके बाद आप इसको छोड़ दिए गा मा पा, तो ऐसे लिख लीजिए गा मा पा, ठीक है। तो ऐसे ही एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा ले, तो कुछ लिखने को ऐसे मिलेगा। मैं अगर इसको ही कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको, तो ये पहले चले जाएगा गा रे सा, ठीक है ना। पीछे से अगर आप उसको करते हैं, जैसे कि गा रे सा है, मा गा रे, फिर पा मा गा, ऐसे आप पीछे से इसको कर लीजिए। तो ऐसे ही इसको चार चार हिस्सों में भी बांट सकते हैं, जैसे कि पहला वाला यहाँ पे था, ठीक है। अभी इसको चार चार हिस्सों में बांटते हैं, सा रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी, ठीक है, पा धा नी सा, ठीक है, सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। तो ऐसे ही आप इसको चार चार हिस्सों में बांट लीजिए, ठीक। एक ही तरह से आप इसको पांच हिस्से में भी बांट सकते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर करते हैं, सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी कर लीजिए। तो शुरू में ऐसे अलंकारों को प्रैक्टिस अगर आप करते हैं घर में, ठीक है, खुद निकाल के, तो काफ़ी अच्छा फ्लूट आप बनाने के साथ साथ उनको घर में ही प्रैक्टिस करके अच्छा फ्लूट प्लेयर बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा।